राइट साइड में आपको दिख रहा है रेड कलर होंडा की हाईनेस है। 611 किलोमीटर पे टैंक फुल करा था। आई थिंक मुझे यूटर्न लेना पड़ेगा। सही है, इंडिपेंडेंस डे राइट ले, मैं एक्टिवा की चाबी लगा रहा हूँ। ये वाले मेरे सही है क्या? सब लोग ऐसे लाइन से जाने वाले क्या? बहुत ज्यादा टाइगर दिख रही है मेरे को। ये देखो ये यमहा वाले बीच में कहाँ घुस गए भाई, रिजॉर्ट में तो आ गए हम लोग। फॉलो हिम। तो अभी एक सब्सक्राइबर मिले थे मेरे, आपने देखा होगा। Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. Hope you're doing amazing. As you can see, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। ट्रायम की तरफ से इंडिपेंडेंस डे के लिए एक फ्रीडम राइड ऑर्गेनाइज करी गई है। 6:30 बजे वहाँ पे असेंबल होने के लिए बोला है। वहाँ से फ्लैग ऑफ होएगा एंड पूरी सिटी में 25 किलोमीटर की एक राइड होगी। जहाँ पे मैंने बाइक ली थी उसी शोरूम से राइड शुरू होने वाली है। मेरे घर से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की दूरी पे है। और ट्रायम की तरफ से ब्रेकफास्ट भी अरेंज करा गया है, एक अलंकृता रिजॉर्ट करके है वहाँ पे। एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होने वाली है वो तो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। चलते हैं, अभी रेडी हो चुका हूँ मैं। बस सिंपल सा मैंने ब्लैक टी शर्ट जैकेट पहन लिया, चलते हैं फिर आपको मिलता हूँ अपने मोटो व्लॉग सेटअप में। सुबह सुबह का टाइम है, एकदम ही बाहर अंधेरा है। इसके हेडलाइट का थ्रो भले ही गंदा है बट लुक एक नंबर है। पीछे से देखो कितनी सही दिखती है ना। 552 थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी रोड्स खाली होएंगे तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। पहली बार इतनी सुबह सुबह बाइक लेके निकला हूँ। 6 बज रहे हैं अभी सुबह के। सिग्नल्स तो वैसे भी अभी है नहीं कोई। सुबह सुबह ऐसे राइड पे जाने का मजा कुछ और ही है। कुछ भी बोलो। राइट साइड में आपको दिख रहा है रेड कलर का ये जो स्पीड कैमरा है, थोड़ा सा कम रखते हैं स्पीड को। हाँ 50 ठीक है। आजकल सिटी में हर जगह स्पीड कैमरास लगा रखे हैं, वो थोड़ा सा यू नो देखने की बात होती है, क्योंकि वरना फालतू में चलान आते रहेंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ ना, मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ यहाँ पे ट्रेन होती है, वो चाहे सुबह के 6 बजे हो या रात के 9 बजे हो। ओ अंकल मस्त साइकिल वाइकिल चला रहे हो सुबह सुबह। ओ भाई सिग्नल है क्या? चलो चलो सिग्नल आ गया, बच गए, वरना मैं लेफ्ट लेने वाला था वापस। अभी तो हम आराम से निकल जाएंगे, सिग्नल है तब भी सीधा सीधा फ्लाईओवर से निकल जाएंगे, ये गलियों के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। वरना नॉर्मल टाइम में ये रूट मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि ये पूरा एक तरीके से जंक्शन है काइंड ऑफ। यहाँ से सारे रास्ते कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है इधर। इनसे बच के रहना पड़ेगा ट्रक वालों से। तो मेट्रो स्टार्ट हो गई क्या? आई थिंक 6 बजे मेट्रो शुरू हो जाती है, पहली मेट्रो अभी आई नहीं है। पर चल लो यार, इतनी जगह खाली है, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह का टाइम है, मस्त भगाओ। शिट यार, कितना सही खाली रास्ता था यार, फालतू का बंद कर दिया इन्होंने। क्यों बंद करा पता नहीं। अब यार सिग्नल पे रुकना पड़ेगा फिर। एक और राइडर जा रहे हैं शायद अपने साथ। होंडा की हाईनेस है, इसकी भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, बट इसका सीटिंग पोजीशन मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा। कितने बज गए? 6:15 हो गए क्या? मेरे को लग रहा है लेट ही होएगा वो। वो बोलने की बात है कि 7 बजे तक सब हो जाएगा, बट मेरे को लग रहा है वो 7:30 तक खींचेगा। सब लोग टाइम पे थोड़ी आते हैं। इंडिया में 7 बजे मतलब 7:30 ही होता है वो। अपने को जाना है लेफ्ट, जो कि पड़ता है बंजारा हिल्स की तरफ, जहाँ पे अपना शोरूम है। वहाँ जाओगे तो जुबली हिल्स, यहाँ पे आओगे तो बंजारा हिल्स। हिली हिल है पूरा। 611 किलोमीटर्स पे टैंक फुल करा था, अभी हो रहे हैं 676 किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स हो गए हैं। ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा ना जब पेट्रोल का इंडिकेटर, तब देखेंगे एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स पे हुआ है, और फिर कैलकुलेट करके अंदाजा आ जाएगा अपने को कि माइलेज कितना आया इसका फर्स्ट सर्विस के बाद। नॉर्मल पेट्रोल ही यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई पावर पेट्रोल या हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल नहीं डाला है अभी तक। आई थिंक मुझे यूटर्न लेना पड़ेगा, बिकॉज शोरूम पीछे चला गया है। हाँ राइट राइट, शोरूम पीछे चला गया है। मतलब 25 किलोमीटर मैंने आधे घंटे में कर लिया। सही है, इंडिपेंडेंस डे राइड चल रही है फुल ऑन। देखा आपने कितने सारे लोग आ रखे हैं, कितनी कूल बाइक्स आ रखी हैं यहाँ पे। ये रही अपनी स्क्रैम्बलर पीछे खड़ी है। अभी ये लोग एक एक करके सारे बाइक्स पे इंडिया के फ्लैग फिट कर रहे हैं। ये मेरी बाइक लेके जा रहा है वहाँ पे पीछे लगाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे 400 सीसी की सारी बाइक्स एक साथ रखी है और यहाँ पे 1200 सीसी की बाइक रखी है। इन्होंने अंदर से शोरूम को भी काफी अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है। मुझे एक इंडिया का फ्लैग वाला बैच भी दे दिया है। अनाउंसमेंट कर दी है की अपने अपने बाइक्स पे चले जाओ, रेडी हो जाओ। तो गाइस अभी राइड स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से शायद 25 किलोमीटर हम जाने वाले। जस्ट टू शो ले, मैं एक्टिवा की चाबी लगा रहा हूँ। लॉल इट्स ओके। ये वाले मिरर्स सही है क्या? नॉट मच, ज्यादा नहीं है। मतलब इससे बेटर है या ये बेटर है? वही बेटर है, ऐसे रोड पे गिर गए तो टूट गया था। ओह समय 800 1000। ओह आई थिंक सब लोग ऐसे लाइन से ही जाने वाले क्या? चलो चलते हैं।
अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया है, ऐसा नहीं कि बस रखने के लिए रखा है, इंटरेस्ट लिया है, अच्छे फोटोशूट्स हुए हैं, सब लोग ऐसे एंथुजियास्टिकली आए सुबह सुबह 5-6 बजे उठ के, इट इज एक्चुअली अ बिग थिंग। अभी हम यहाँ से जाएंगे शायद 25 किलोमीटर की दूरी पे, एक रिजॉर्ट है अलंकृता रिजॉर्ट करके, तो देखेंगे कैसा क्या सीन होता है। मेरे को यहाँ पे एक सब्सक्राइबर भी मिले अपने, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू मीट हिम, काफी अच्छा लगा कि कोई मुझे एक्चुअली में देख रहा है और वो मुझे मिल भी रहा है। और ये सारे ट्रायम्फ वाले अपने आप में रेस लगाते हुए, 1200 सीसी की बाइक्स भी आ रखी है यहाँ पे, अपनी 400 सीसी की स्क्रैम्बलर तो है ही, ये देखो कैसे जा रहे हैं मस्त एकदम। तो 1200 सीसी की बाइक्स है ना, उन पे ऐसे बड़े बड़े फ्लैग लगाए, और 400 सीसी की बाइक्स पे ऐसे फ्लैग्स लगाए, तो अभी बस हमें इन सबको फॉलो करना है। 60-70 लोग तो आए होंगे मेरे हिसाब से, कोई कोई लोग तो अपनी बंदी को भी लेके आया, बट हम तो फिलहाल सिंगल है तो अकेले ही आया। पब्लिक रिएक्शन आ रहे हैं ना नेक्स्ट लेवल, ये देखो सारी स्क्रैम्बलर है लाइन से, बहुत ज्यादा टाइगर दिख रही है मेरे को, ये देखो आगे भी एक और टाइगर जा रही है, ये देखो लोग कैसे पलट पलट के देख रहे हैं लिटरली। ये यमाहा वाले बीच में कहाँ घुस गए भाई। ये है एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट, ये मेरा स्कूल का ही एरिया है, मजा आ रहा है चलाने में। हटो हटो हटो, ये बीच में खराब रोड आना जरूरी है क्या, इतना मस्त क्रूजिंग कर रहा था, पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। एंड इसी बात पे अपने बाइक के 700 किलोमीटर भी कम्प्लीट हो चुके हैं, सब लोग वहां रखे ठीक है, थैंक यू। रिजॉर्ट में तो आ गए हम लोग, थोड़ा बहुत लेट हो गया, बट ओके ओके। हाँ ये रहे सब लोग, वही मैं सोचूं कहाँ पे है। तो हैवी है ना बाइक बहुत। तो यहाँ पे सबने अपनी अपनी बाइक से लाइन से लगा दिया, मैंने भी अपनी बाइक यहाँ लगा दिया मेरे लिए या मेरे व्यूअर्स के लिए। फॉलो हिम, इट्स हिज फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड वी आर बोथ हैविंग स्क्रैम्बलर एंड होप वी डू द ट्रिप्स नेक्स्ट टाइम टुगेदर। श्योर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज करा है अलंकृता रिजॉर्ट में हम सबके लिए, तो ब्रेकफास्ट खाते हैं, फ्लैग होस्टिंग भी यहीं पे होगी शायद। तो अभी एक सब्सक्राइबर मिले थे मेरे, आपने देखा होगा। तो अच्छा लगता है अगर आप लोग ऐसे मिलते हैं, तो इट फील्स नाइस कि यार लोग मुझे देख रहे हैं करके। तो ये रिजॉर्ट के एंट्रेंस पे ही फ्लैग होस्टिंग का इवेंट रखा है, लगता है किसी की तो शादी हो रही है, बिकॉज यहाँ पे ढोल वोल की आवाज आ रही है मस्त, डेकोरेशन भी करा हुआ है लगता है। मैं तो सीधा आ गया रेस्टोरेंट में यहाँ के खाना खाने के लिए, मस्त यहाँ पे आलू के पराठे है, वड़ा है, इडली है, उपमा है, चाय और कॉफी भी है ऑब्वियसली, लाइव काउंटर्स भी है अगर चाहिए कुछ। तो सोच रहा हूँ ढोकला ले लेता हूँ और पोटेटो वेजेस ले लेता हूँ, ये बेकड बीन्स खाने का मन नहीं है, पास्ता ले लेता हूँ। मस्त अपनी प्लेट कलरफुल लग रही है, काफी टेस्टी लग रहा है देखने में तो, ओ भाई क्या ही टेस्ट है, मजा आ गया सुबह सुबह ये पोटेटो वेजेस इतने मस्त गरम गरम मिले, और ढोकला भी काफी टेस्टी था सच में। मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं बस ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ रिसॉर्ट को, पोपटी हो गया मतलब सब कुछ हो गया, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तब तक फ्लैग होस्टिंग भी हो गया, पर कोई बात नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके लिए आए थे वो काम हो गया, राइड हो गई अपनी, खाना भी खा लिया फ्री में। यहाँ से कुछ लोग हैं जो आगे राइड के लिए जा रहे हैं, अभी क्या है ना धूप बहुत ज्यादा हो रही है, तो अभी राइड पे कोई जाने का मतलब नहीं है फालतू में अकेले। ओवरऑल आई वाज सैटिस्फाइड विद द इवेंट, चलते हैं सीधा स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ पे भगाते हैं थोड़ी बाइक, फिर सिटी में जाके ट्रैफिक हो जाएगा। सीधा सीधा हाईवे होना तो आराम से 100-120 पे क्रूज कर सकते हैं नॉन स्टॉप, ऐसे थकावट भी नहीं होगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओवर स्पीडिंग का चलान आ सकता है मुझे, बिकॉज कहीं पे स्पीड लिमिट मेंशन नहीं है, मैं तो मस्त अभी 100 पे भगा रहा था, 100-120 भी टच कर लिया मैंने, बट आई डोंट नो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलान वलान ना आ जाए कहीं से। जो लास्ट शॉट आपने देखा ना, वहाँ पे मेरा गोप्रो डेड हो चुका था, और उसके बाद मैं बोले ही जा रहा था और रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था वो कुछ भी। तो जब मैं अब एडिटिंग करने बैठा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि उस शॉट के बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। पता नहीं गोप्रो का क्या सीन है, मतलब अचानक ही उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, एकदम ही डेड हो जाता है कभी कभी, पता ही नहीं चलता। बट एनीवेज ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप जैसे और लोग को मेरा वीडियो रिकमेंड हो और हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड और स्ट्रॉन्ग होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।